हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। ओके एंड हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस में हम फाइंड करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, कोई सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इस से रिलेटेड हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर इज। ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ए डी सी की बात करेंगे। सबसे पहले ए डी सी की बात करेंगे। हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि दीज टू आर इन सीरीज। ओके, दीज टू आर इन सीरीज, और यहाँ पर थ्री और थ्री सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो हमको मिलेगा सिक्स, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस एड हो जाता है। ओके, तो इन दोनों को हटाकर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस सी सिक्स ओम का लगा सकते हैं। तो हमारे पास में एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है सी। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सिक्स ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, और हमने दोनों को थ्री और थ्री को हटाकर सिक्स ओम का कनेक्ट किया। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और बी के बीच में, यहाँ पर हम कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, ए और बी के बीच में एक थ्री ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, सॉरी, सी और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में भी 3 ओम का रेजिस्टेंस ही कनेक्टेड। अब वापस हम देखेंगे, हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 6 और 6 दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, सो इट विल बी 3। तो इन दोनों को हटा के हम एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो हमने एक 3 ओम का लगाया और 3 ओम का इसके सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, ये पॉइंट हमारा सी हो गया, 3 ओम का सीरीज में कनेक्टेड हुआ। ये पॉइंट हमारा बी हुआ, दिस पॉइंट इज बी। ओके, एंड इट इज ए, और ए और बी के बीच में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस 3 ओम का कनेक्टेड। ओके, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा 6। ओके, और 6 और 3 पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिला, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो आंसर होगा हमारे पास। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 5 आइडेंटिकल क्वाइल आर कनेक्टेड इन नेटवर्क एज शोन इन फिगर। द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन ए एंड बी इज 1, देन दी इंडिविजुअल कॉइल मस्ट हैव रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस होगा हर एक का, वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने सबका रेजिस्टेंस आर मान लिया। क्या कंसिडर किया है, कंसिडर रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज कैपिटल आर। तो यहाँ पर R ओम कनेक्टेड है, यहाँ R ओम कनेक्टेड है, R ओम। ओके, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें पता चल रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही हैं और ये तीनों पॉइंट एक ही हैं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस R, तीनों सीरीज में होंगे और इनका तीनों पैरेलल में होंगे और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई 3 होगा। तो R बाई 3 हमको मिलता है। ओके, यहाँ पर हमको मिला R बाई 3 और इसके सीरीज में एक R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और पैरेलल में हमें दिख रहा है कि R ओम का रेजिस्टेंस है। आपने देखा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, केवल एक कॉन्सेप्ट से कि तीनों टर्मिनल एक ही है। अगर कोई रेजिस्टेंस बीच में कनेक्टेड नहीं है तो हम सिंगल पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। आगे से सॉल्व करते हैं, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हम फाइंड करेंगे। तो R बाई 3 प्लस R हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4R बाई 3। अब ये 4R बाई 3 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट हमको मिलेगा
आर इंटू फोर आर बाई थ्री डिवाइडेड बाय आर प्लस फोर आर बाई थ्री। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर आर बाई थ्री डिवाइड, एक आर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा सेवन, सेवन बाई थ्री। ओके, थ्री से थ्री हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू फोर आर बाई सेवन, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू फोर आर बाई सेवन एंड इट इज़ इक्वल टू वन गिवन है। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमको मिला आर इज इक्वल टू सेवन बाई फोर ओम। ओके, आर इक्वल टू सेवन बाई फोर, तो सेवन बाई फोर हमारा आंसर, सेवन बाई फोर इज द करेक्ट आंसर। आगे सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है। ओ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, पर पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रोवाइड करेगा। अगर इन जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, पॉइंट इसको हम कुछ सारे जंक्शंस को पॉइंट असाइन कर देते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी। ओके, तो अगर बी और सी को हम स्ट्रेच करके ऐसा आउटवर्ड लेके आते हैं, है ना, तो हमारे पास में एक पॉइंट, ज़रा सर्किट देखिएगा आप ध्यान से, एक पॉइंट ए है, ओके, इस एक पॉइंट बी है, ओके, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। आप देखेंगे ए और बी के बीच में एक एन ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, आप देखेंगे बी और सी, बी और सी के बीच में एक 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड। आप देखेंगे ए, ए और सी के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड। ओके, आप देखेंगे बी और डी के बीच में भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, बी और डी के बीच में भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड। सी और डी बचा, इनके बीच में भी हम एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर ही देते हैं, तो ये पॉइंट डी है। तो यहाँ ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिख रहा है। ओके, और लास्ट लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, जो ब्रिज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, जो ब्रिज में लगा हुआ है, उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 10। आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों आर्म्स में इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो इसका इक्विवेलेंट भी 10 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं अगर हम बीच वाले सर्किट को रिमूव कर दें। ओके, ये बीच में जो 20 ओम का, इसको हटाना क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, हटा दिया हमने, तो ये 20 और 20, 20 20 पैरेलल में कितने होंगे, 10 ही होगा ना, तो आंसर आया 10, आंसर इज 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, थ्री रजिस्टर आर इन पैरेलल हैविंग इफेक्टिव रजिस्टर। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है थ्री रजिस्टर आर इन पैरेलल हैविंग एन इफेक्टिव रजिस्टेंस वन ओम, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव रजिस्टेंस इज 9, द रजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज। ओके, यहाँ पर अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो तीनों को ऐड करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर तीनों का एडिशन, तीनों का एडिशन हमको 9 मिल रहा है फर्स्ट केस में। इस क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, यहाँ पर भी 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 मिल रहा है हमको, 7 प्लस 2 यहाँ पर भी 9 मिल रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9। ओके, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो फर्स्ट केस की बात करें
फर्स्ट केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 1, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 हमको मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 4, तो आर हमारे पास आया 4 बाय 6 मतलब कि 2 बाय 3, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड के लिए चेक करते हैं, सेकेंड में हम देखेंगे 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट हमको मिल रहा है, एलसीएम लेगा हमको 6, ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 6 जो कि होगा 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 6, तो आर तो 1.6 आ रहा है यहाँ पर, ओके तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 बाय 3 विच इज इक्वल टू 1, तो थर्ड आंसर ही सही होगा, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि वापस यहाँ पर ये पूरा जो तीनों टर्मिनल 1, 2 और 3 एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है ए, सेम इज इट इज, ये तीनों भी एक ही पॉइंट है जब तक कोई बीच में एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो बी। ओके, यहाँ पर इस ए और इस बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं ऊपर। ओके, हम वाइट कलर का यूज कर लेते हैं, ओके अब यहाँ पर हमें बीच में एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम असाइन कर देते हैं सी, इस पॉइंट को हम असाइन कर देते हैं सी, तो बीच में हमको एक पॉइंट मिला सी। ओके, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, बीच में मिला सी। आगे देखते हैं, अब हमको पता चल रहा है ये पॉइंट ए और सी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और भी ए और बी के बीच में वापस से 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सेम एज इट इज़ 2 ओम 2 ओम। अब ये सर्किट बहुत ही सिंपल हो गया, आप देखेंगे ये 2 2 2 2 2, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 2 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 होगा और इन 2 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 होगा, ये भी 2 का, तो हमको ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट सी पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए और सी के बीच में 1, ए और सी के बीच में 1 और ए और बी के बीच में 2, ओके यहाँ पर भी 2, तो हमको मिला ये भी दोनों मिला के 2 हो जाएंगे, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 2 तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, आंसर आ जाएगा 2 बाई 3, तो आंसर कितना आया 2 बाई 3, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे, थैंक यू वेरी मच।